जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे हमारी लास्ट वीडियो के अंदर कि हमने सब्जी मंडी से फ्रेश सब्जियां लेके आए, उनको धोया, उनको छीला, साफ किया, क्रश किया, मैश किया और सॉफ्ट फूड का प्रिपरेशन के अंदर सारी चीजें तैयार कर ली। अब हम जावा का सॉफ्ट फूड बना चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप देख चुके। अब हम बना रहे हैं लवबर्ड का सॉफ्ट फूड। लवबर्ड के सॉफ्ट फूड में आज हम जो व्हाइट मकई इसमें मिलाते हैं वो हमने नहीं मिलाई है, ये फ्रेश प्रॉन कॉर्न मिला रहे हैं, ठीक है, और सब्जियां मिला रहे हैं। अच्छा, अब इनमें बहुत सारी चीजें मैरिनेट करते हैं क्योंकि इसमें हमने लहसुन मैरिनेट कर दिया है। ये गाजर, चुकंदर, पेठा कद्दू और टींडा, ये इनका मैश है और इसमें लहसुन भी डाला है, ठीक है जी। अब ये हमने तैयार कर लिया, अब इसको हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है। हम उससे पहले क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारा बर्ड खाने का आदि हो चुका है और ये बहुत शौक से खाता है, तो हम इन दोनों चीजों के अंदर अपनी हाई प्रोटीन डालेंगे। ये है हमारी हाई प्रोटीन जो एनिमल सोर्स, ऑर्गेनिक सोर्स से हासिल की गई है, जिसके अंदर लूअर, चीकू, मिट्टू, पिट्टन, मछली का जो गोश्त होता है ये उसको एक्सट्रैक्ट करके ड्राई फॉर्म में कर दिया, मॉक्चर फ्री हायर बॉयलर और प्लांट से निकाला गया। अब ये हम इसमें डाल देंगे, ये तकरीबन 3 ग्राम ये और 3 ग्राम ये हमने 6 ग्राम तकरीबन इसके अंदर ये जो है ना इसमें हमने ये मिला दिया हाई प्रोटीन। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम। हाई प्रोटीन का मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जरूरी होता है ब्रीडिंग में बर्ड्स के लिए, प्रोटीन उनकी नीड होती है, क्योंकि कैनरी सीड बहुत महंगा हो गया है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये 68% डाइजेस्टिबल हाई प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट डालते हैं ताकि हमारे बर्ड इससे हेल्दी रहे। और क्योंकि भुट्टा बहुत शौक से बर्ड खाता है फटाफट, तो इसलिए हम भुट्टे में जब मिला देते हैं तो हाई प्रोटीन की सोर्सेज आसानी से अप्लाई होती है। अब ये है कैल्शियम, जिसके अंदर ऑस्टर शेल, बोन ऐश और दूसरी किस्म की डाइजेस्टिबल कैल्शियम जो ऑर्गेनिक सोर्स से हासिल गई है वो हम इसके अंदर मिला रहे हैं। ये हमने इसमें 2 चमचे कैल्शियम के भी मिला दिए जो ऑर्गेनिक सोर्स के अंदर से, डाइजेस्टिबल कैल्शियम, क्रूड कैल्शियम जो बर्ड्स की नीड है। और ये टोटल दोनों चीजें ऑर्गेनिक हैं, इसमें किसी किस्म की वो केमिकलाइजेशन नहीं है। अब ये दोनों चीजें इसके अंदर हमने अच्छी तरह मैश कर दी, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से ये 70% लबड़ में डालेंगे और 20-30% के हम 50-50 कर लेते हैं आज, क्योंकि पहला दिन है, बजरी को भी कुछ चांस देते हैं। ये हमने आधा जो है मटेरियल डाल दिया लबड़ के अंदर और इसको हमने पहले इस तरीके से फैलाया, फैलाने के बाद थोड़ा थोड़ा मिलाया ताकि थोड़ा थोड़ा वो थोड़े थोड़े दानों में लग जाए। जब ये थोड़ा लग गया फिर हमने इसको फुल मैश कर लिया। ये भी हमारा हो गया सिलसिला कैल्शियम और प्रोटीन सोर्स का इसमें मैश। अब क्या रह गया, अब रह गए विटामिन। विटामिन की सोर्स जो हम हासिल करते हैं वो हमेशा से हम सब्जियों से हासिल करते हैं। अब ये सब्जियों का जो हमने कद्दू कश कर रखा था कश करके, अब ये हम सब्जियां इसमें अप्लाई करेंगे। ये हमने आधी सब्जी जो है वो डाल दी अपने लबड़ को और आधी सब्जी डालेंगे हम बजरी, इसको भी इसी तरीके से हम मैश करेंगे। ये हमारा सिलसिला इसकी मैशिंग का हो गया। अब देखें इतनी सब्जी आपने बनानी है कि वो मैरिनेट हो जाए। ये कम्बिनेशन आपने अपने दाने के हिसाब से सॉफ्ट फ्रूट के खुद रखनी है। सॉफ्ट फ्रूट को भिगोने के बाद थोड़ी सी हवा लगा लेनी है ताकि वो जरा सा ड्राई हो जाए, हल्का सा, ताकि ये नमी और पानी बहुत होता है सब्जियों में तो वो उसको मैरिनेट कर सकें और अच्छी तरीके से उसके ऊपर चिपक जाए। विटामिन जो है इसमें से जब ड्रेन कर जाते हैं और इस पर चिपकना शुरू होता है, जब ये इस पर चिपक जाते हैं आसानी से तो आपके बर्ड भी इसको शौक से खा लेते हैं, उनको ही मसला नहीं होता। याद रखें कि मोटा मोटा दाना ना सब्जी का अभी ना आए, क्योंकि आप नया नया स्टार्ट कर रहे हैं तो बर्ड को ये दाना खाने की तो आदत होती है। आपका जो हलीम गंदुम हलीम जौ जई था, सॉरी मैं ये बताना भूल गया, इसमें जो हमने मिलाया हुआ है हलीम गंदुम हलीम जौ जई, ये 3 चीजें, ठीक है ना, और थोड़ा सा इसमें सनफ्लावर भी है और थोड़ी सी इसमें जई भी है और बाकी चीजें आहिस्ता आहिस्ता हम इनमें भंग, खुरदम और दूसरी लवादमात भी डालेंगे। हम इसके अंदर व्हाइट मकई अलग से भिगो के डालते हैं, आज हमने वो नहीं डाली थी क्योंकि आज हम ये फ्रेश कॉर्न डाल रहे थे, तो हमने सोचा कि फ्रेश कॉर्न जब डाल रहे हैं तो व्हाइट मकई नहीं डालते ताकि ये फ्रेश कॉर्न को उठाएं और हमारी जो टारगेट है ये सब्जियों का उनको खिलाने का ये पूरा हो जाए। चले जी अब हम चलते हैं लबड़ में और लबड़ में सॉफ्ट फूड लगाते हैं। आए हमारे साथ,
जी दोस्तों, हम आ गए अब अपने फॉर्म पे। ये हमारा सॉफ्ट फूड तैयार हो गया लबत का, और अब हम लबत के सॉफ्ट फूड को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए, ये हमारा सॉफ्ट फूड का एक एक चमचा आज हम डालेंगे इनको। इसमें थोड़ा बहुत कच्चा होगा, साफ कर लेंगे इसको। तो सारा सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि फार्म काफी बड़ा है और इसमें काफी टाइम लगना है, तो ये सिलसिले को हम फेस करेंगे। मैंने कहा क्लोज करें बर्ड्स को, सॉफ्ट फूड लगाएं, बर्ड्स को एंजॉय करें, अपना काम खुद करें, ताकि आपको पता हो काम की नोयत क्या है, काम की पोजीशन क्या है। जब आप अपना काम खुद करेंगे तो आपको अंदाजा होगा क्या रिक्वायरमेंट है बर्ड्स की। अपना कीमती टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए।